ये है हमारे मंगल सिंह, जो इनके द्वारा काफी प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और ये मूर्तियां स्थापित की गई हैं, आप लोग देख सकते हैं और कितना मतलब भव्य तरीके से ये मूर्तियां लगाई गई हैं। और देख रहे हैं ये भोले बाबा और ये तीन मूर्तियां हैं हमारी, कितनी अद्भुत नज़ारा देखने को लग रहा है। और हमारे गणेश जी हैं और ये देखिए आप कितना अद्भुत नज़ारा है, और ये ऊपर का भी देख सकते हैं आप चारों तरफ से। और यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसका यहाँ पर भंडारे से लेकर के हर तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और काफी भव्य मंदिर देखने में अद्भुत सा नज़ारा यहाँ पर लग रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि वाकई मतलब है, जो हमें भी काफी यहाँ देख करके बहुत ही अच्छा लगा है। और इसी तरीके से ये मंगल सिंह के द्वारा और काफी पूरा प्रयास से माध्यम से ये है जो मंदिर का मूर्तियां स्थापित हुई हैं और यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। मंगल सिंह याद कर रहे हैं वाले विजय कहा है, तुरंत बात डाल के पहुंचे। और ये लोग कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ पर काफी इन्होंने मेहनत की है और ये सारा कुछ प्रयास से है जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। और यहाँ पर काफी मात्रा में भीड़ है और भी अभी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी मात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ता लोग लगे हैं और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्थापित वगैरह हुई है और ये मंदिर का काफी आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर सजावट वगैरह है और अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम का भारी तरीका से हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी मतलब भंडारे को भी लेकर के यहाँ पर अच्छी तरीके से कार्यक्रम चलाया गया है और ये मंदिर का है मेन गेट।
भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और आप देख रहे हैं कि भंडारे का प्रसाद काफी टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट भाई सब्जी होती है भंडारे की। आप लोगों को भी आया तो पता है बात की भंडारे का टेस्ट एकदम बहुत ही मस्त लगा है। और आज जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूं। और आज थोड़ा कुछ दिन बाद में वीडियो आ रही है और मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा कि इसी तरीके से आप लोगों को एक अच्छी वीडियो दिखाता रहूंगा।